हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा स्क्रीन लॉकिंग साउंड है, तो स्क्रीन लॉकिंग साउंड को आप कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने साउंड सेटिंग्स पे जाकर रियल वीवो फोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप कर लेना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन ओपन आएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में स्क्रीन लॉकिंग साउंड है, तो स्क्रीन लॉकिंग साउंड को आप कैसे ऑन ऑफ करेंगे, सिंपल आपको यहाँ पर जाना है सेटिंग पे। यहाँ पर सर्च करना है स्क्रीन लॉकिंग साउंड को ऑफ कर दिया, तो यहाँ से ओपन कर लेंगे। ओपन करते ही हमारा स्क्रीन लॉकिंग साउंड ओपन हो जाएगा। जहाँ से इसको आप ऑफ़ कर देंगे, तो कोई भी स्क्रीन लॉक आप ऑफ करते हैं तो उसमें कोई भी साउंड वगैरह शो नहीं करेगा। और इसको ऑन कर देंगे तो जैसे हमारे फ़ोन में स्क्रीन लॉक करते हैं तो उसमें जो साउंड है शो करता है, इस तरीके से देख सकते हैं शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप स्क्रीन लॉकिंग साउंड को ऑन ऑफ कर सकते हैं, और साथ में ही आपको ऑप्शन नहीं मिलता है। तो सिंपल आप फ़ोन की साउंड सेटिंग्स पर जाकर भी स्क्रीन लॉकिंग साउंड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। सिंपली हमारी फ़ोन की सेटिंग्स है शो हो रही है, तो आपको स्वाइप कर लेना है। स्वाइप करते ही वाला आइकन ओपन आएंगे, सेटिंग्स पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन ही आएगी। तो जो हमारे फ़ोन में स्क्रीन लॉकिंग साउंड है, तो स्क्रीन लॉकिंग साउंड को कैसे ऑन ऑफ करेंगे अपनी साउंड सेटिंग पे जाकर, तो साउंड सेटिंग को ओपन कर लेंगे। ओपन करते ही साउंड सेटिंग ओपन हो जाएगी, जहाँ से आपको क्लिक कर देना है। जिसते हैं कि जहाँ से आपको क्लिक कर देना है, हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा स्क्रीन लॉकिंग साउंड। इसको ऑफ कर देंगे तो कोई भी स्क्रीन लॉक साउंड शो नहीं करेगा हमारे फ़ोन में। और ऑन कर देंगे तो जो हमारे फ़ोन में स्क्रीन लॉक साउंड है, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्क्रीन लॉकिंग साउंड को ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने वीवो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू।